हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मानसिंह जिम्नास्टिक कोच आज आपके सामने एज अ वार्म अप वीडियो में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताएंगे आपको जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपको एज अ कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जब हम करते हैं उससे पहले करनी होती है, क्योंकि ये एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है। गाइस, ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये बेसिक एक्सरसाइजेस हैं वार्म अप की। इसको करने से आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं होगी। तो गाइस, हमें वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हैं रोजी मैम और पनवी मैम है हमारे साथ, जो कि इस वीडियो में हमारा साथ दे रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं वार्म अप कैसे होता है। गाइस, सबसे पहले गाइस हमें फॉरवर्ड बेंडिंग से स्टार्ट करना है। इसमें हैंड्स अप करेंगे और हैंड को एयर टच रखेंगे। एयर टच रखते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे गाइस। हैंड को स्ट्रेट करते हुए अप लेके जाना है। ओके, रिलैक्स। ये हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग। अब हम करेंगे नेक रोटेशन स्टार्ट। ये गाइस 5 टाइम करना है कोई भी एक्सरसाइज को। रिवर्स भी करेंगे हम इसी में 5 टाइम। ओके, नेक का ही हमारा सेकेंड स्टेप है। अप डाउन, ओके। थर्ड स्टेप है साइड टू साइड। इसी के साथ गाइस हम इसको स्ट्रेच भी करेंगे नेक को। पहले फ्रंट साइड स्ट्रेच करेंगे, अब बैक साइड स्ट्रेच करेंगे, साइड टू साइड स्ट्रेच करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब जो एक्सरसाइज गाइस हम करने वाले हैं उसका नाम है रिस्ट रोटेट। तो रिस्ट को ऐसे करते हुए रोटेट करना है हमने। ये एक्सरसाइज हमने 15 टू 20 टाइम करनी है। पहले इसको फ्रंट साइड से रोटेट करना है। अब बैक साइड से रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज से गाइस आपकी रिस्ट मजबूत बनती है और एल्बो में भी पावर आती है, रिस्ट में भी पावर आती है, और ये किसी भी एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी। ओके, रिलैक्स। तो गाइस अब हमारी सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हम करने वाले हैं हैंड स्विंग शोल्डर रोटेट। इसमें क्या करना है, आपको हैंड को स्ट्रेट रखना है और राउंड राउंड सर्कल में लेके जाना है। ये भी एक्सरसाइज गाइस हम 5 टाइम करेंगे। इसके सेकंड पोजीशन है बैक साइड से रोटेट करना। अब गाइस हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे। अब करेंगे हम क्रॉस स्विंग। इसमें क्या है कि ऊपर से भी क्रॉस करना है और नीचे से भी क्रॉस करना है। दोनों हैंडों को अप डाउन साइड में लेके जाते हुए क्रॉस करते हुए करना है इस एक्सरसाइज को। अब गाइस हम एक्सरसाइज चेंज करेंगे। अब करना हमने वन हैंड साइड स्विंग। अब हम गाइस चेंज करेंगे एक्सरसाइज, बोथ हैंड साइड स्विंग करेंगे। अब ओके, रिलैक्स। गाइस अब हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेच। इसके लिए हमें हैंड फ्रंट में रखना है और इससे इसको बैक साइड लेके जाना है। फिर हैंड चेंज करके फिर साइड करेंगे। ये 3 टाइम करना है गाइस हमें। ओके, अब गाइस हम इसी को बैक साइड से लेके जाएंगे शोल्डर को और स्ट्रेच करेंगे। हैंड को चेंज करते हुए स्ट्रेच करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, रिलैक्स। गाइस हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हिप रोटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। गाइस हमें 15 टू 20 टाइम करना है।
ओके रिवर्स, इसी के साथ गाइस अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, हमें हैंड्स अप करना है और साइड में स्ट्रेच करते हुए जाना है और होल्ड रखना है। 1 2 3 ओके चेंज, 1 ओके रिलैक्स गाइस। गाइस जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है एंकल रोटेशन। तो हम ऐसे वन लेग पे स्टैंड हो जाएगा और इसको रोटेट करते जाएंगे हम। अब रिवर्स करना है इसी में ही हमें। ये एक्सरसाइज हमें 10 टू 15 टाइम करनी है। ओके चेंज करेंगे लेग, सेम एक्सरसाइज रिवर्स करना है गाइस। ओके रिलैक्स। तो गाइस ये सारी हमारी एक्सरसाइज थी। तो गाइस ये था हमारा वार्म अप। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वार्म अप, और ये वार्म अप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इस वार्म अप को करोगे एक्सरसाइज करने से पहले,